हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसा वाला जी। सो गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनवी स्कूल में पूरे दिन बच्चे क्या करते रहते हैं। तो बच्चों का जो पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चों के पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा। तो देखो, सुबह सबसे पहले क्या बच्चों को उठना होता है 5 से 6 के बीच में, और बच्चों को क्या 5 से 6 के बीच में क्या ग्राउंड जाना होता है। तो अगर 5 से 6 के बीच में ग्राउंड जाना है तो इसका मतलब क्या है कि सुबह 5 बजे तुमको उठ जाना है। तो 5 से 6 की जो टाइमिंग रहती है वो ग्राउंड की रहती है, वहाँ आपको एक्सरसाइज वगैरह क्या करना होता है। तुम योगा करना चाहते हो तो योगा कर सकते हो, तुमको कुछ जंपिंग वगैरह करना है तो वही वो कर सकते हो। तो 5 से 6 की जो टाइमिंग रहती है सुबह की वो रहती है ग्राउंड एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद सुबह 7 से 8 के बीच का आपके क्या रहता है, नाश्ता रहता है कि आपको जो ब्रेकफास्ट है वो क्या है मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या टाइम हो जाती है, फिर रहती है सुबह 8 बजे आपकी क्या है जो एकेडमिक की क्लासेस होती हैं, मतलब जो आपका पढ़ाई होती है स्कूल की वो स्टार्ट हो जाती है। तो 8 बजे आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो एकेडमिक क्लासेस आपको इस टाइम में आपकी रहेंगी। अब 8 बजे से लेकर आपकी जो क्लासेस रहती हैं वो रहती हैं 11:30 तक। 11:30 पर आपका क्या लंच हो जाएगा, तो लंच वगैरह आप कर लेते हो। लंच करने का फिर से आपकी क्लासेस क्या है कॉन्टिन्यू होती हैं। तो लंच अराउंड मुझे लगता है कि कुछ आधे घंटे के लिए अबाउट रहता है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो क्लासेस कब तक कॉन्टिन्यू होती हैं। तो लंच के बाद आपकी जो क्लासेस रहती हैं वो रहती हैं 1:30 तक। तो 1:30 तक आपकी जो क्लासेस वगैरह है वो फिर से कॉन्टिन्यू की जाती हैं। फिर 1:30 पर आप क्या है अपने हाउस में आ जाते हो, और हाउस में आने के बाद अपना वहाँ के थोड़ा आप आराम वगैरह या जो खाना वगैरह खाना है दोपहर का वो आप क्या खाना वगैरह खाते हो। खाना वगैरह खाने के बाद आपकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं रिमेडियल क्लासेस। जैसे आप स्कूल का कोचिंग क्लासेस जाते हो उसी तरीके से जेएनवी स्कूल में होता है रिमेडियल क्लासेस। तो रिमेडियल क्लासेस आपको क्या 3 बजे लगभग जाना पड़ता है, और रिमेडियल क्लासेस 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच की होती है। तो 3 बजे आपको क्या रिमेडियल क्लासेस जाना है, और 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच की जो क्लासेस हैं वो रहती हैं। फिर 5 बजे शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर से आपका ग्राउंड रहता है। ग्राउंड में आपको जाना होता है, आपको अगर स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको खेलना वगैरह तो आपको क्या जाना है। तो सभी बच्चों को जाना होता है, तो सभी बच्चों को जो गेम वगैरह होते हैं वो खिलवाए जाते हैं, और काफ़ी बच्चों को क्या मज़ा वगैरह भी आता है। फिर इसके बाद जब गेम हो जाता है आपका 5 से 6 के बीच में, तो उसके बाद आपको क्या है जो भी शाम में चाय होती है या दूध होता है वो आपको क्या है मिलता है। उसके बाद 6 बजे शाम को क्या है आपकी असेंबली होती है। असेंबली में क्या होता है आपकी अटेंडेंस ली जाती है। तो शाम को 6 बजे काउंटिंग होती है कि भैया कौन बच्चा है कौन बच्चा नहीं, ऐसा तो नहीं कि बच्चा गायब हो गया हो। तो ये अटेंडेंस क्या है डेली आपकी होती है, बिकॉज यार उनको भी चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा गायब वगैरह हो जाए, क्योंकि जेएनवी में सारे बच्चे होते हैं और वो एक साथ रह रहे होते हैं। और उनमें कुछ बच्चे हैं जो यार बदतमीज टाइप होते हैं, वो क्या है जो बिल्डिंग वगैरह होती है या जो बाउंड्री वगैरह होती है वो फांद के कहीं बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे करते हैं। तो उसके लिए क्या है ये सब अटेंडेंस वगैरह क्या की जाती है। वैसे तो टीचर्स वगैरह की सारी निगरानी रहती है, लेकिन यार फिर भी कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही उद्यमी टाइप के जो ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। तो उसके लिए बाकी का जो स्टाफ वगैरह होता है वहाँ का वो पूरी तरीके से काम करता है, और कोशिश रहती है भाई कोई बच्चा क्या है निकल ना पाए स्कूल के बाहर बिल्कुल भी। अब यार इसके बाद जब 6 बजे आपकी अटेंडेंस हो जाती है, तो फिर आप 6 बजे के बाद आप क्या है फ्री हो जाते हैं। तो 6 बजे के बाद अपनी क्या सेल्फ स्टडी वगैरह करें, और फिर रात को 8 बजे आपको जो रात का खाना है जो आपका डिनर है वो आपको मिल जाता है, खाना वगैरह खा लो। उसके बाद आपका मन है आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ो। फिर नाइट में क्या है आप लगभग 10-11 के बजे के आसपास क्या है आपको सोने के लिए मिल जाता है, तो आप 10-11 बजे के आसपास क्या सो जाओ। और फिर से सुबह आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होती है, फिर से आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, और 5 से 6 के बीच की टाइमिंग आपकी ग्राउंड की रहती है, और ये प्रोसेस क्या आपका कंटिन्यू बना रहता है। तो ये आपका रहता है फुल डे शेड्यूल। और इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो एंडिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए मैंने एक पेज बना रखी है जहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन प्रोसेस फॉर्म कैसे भरा जाता है, कब फॉर्म आता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई वगैरह रहती है, तो वो सब कुछ आपको क्या है एक सिंगल पेज में मैंने क्या सारे वीडियो डाले हुए, वहाँ जाकर आप पूरा का पूरा जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में ले सकते हैं।
तो प्ले लिस्ट का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। इस प्ले लिस्ट में जाकर आप क्या सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर इसके संबंध में कोई डाउट है डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।